हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सीआरओ के बारे में। तो बेसिकली आपका सीआरओ क्या होता है? सीआरओ आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो हमारे वोल्टेज हैं, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, करेंट्स, इनकी जो वेव फॉर्म है हम सीआरओ के स्क्रीन पे क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो बेसिक जो यूज है वो किसी भी प्लॉट को ड्रा करना ही हमारा मेन मकसद होता है सीआरओ से। तो सीआरओ से हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा वेव फॉर्म होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की, उसकी हम वेव फॉर्म को ड्रा करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, सीआरओ के बारे में, जो भी सीआरओ के पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके लास्ट में जितने भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए ये वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें पूरा कंप्लीट डेटा मिलेगा। जैसे आपके जो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आपके एसएससी जेई में, यूपीपीसीएल जेई में, अदर आपके कॉम्पिटेटिव जेई के एग्जाम में और भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे आपका है स्क्रीन ऑफ सीआरओ मेड बाई, तो स्क्रीन जो होती है आपकी सीआरओ की, जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है? और लिसाइसिस पैटर्न और यूज टू मेजर, जो इसमें लिसाइसिस पैटर्न का हम यूज करते हैं किसके मेजरमेंट के लिए, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीआरओ। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मैं इस वीडियो के एंड में कराऊंगा, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो आपको मैं इसका कंप्लीट डिस्कशन करूंगा थियोरेटिकल पोर्शन के बारे में, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारा सीआरओ क्या होता है। ओके, तो जो सीआरओ है ये आपका एक यक्स वाई प्लाटर है। ये क्या है? यक्स वाई प्लाटर है। किसी भी वेव फॉर्म को हम क्या करते हैं, यक्स वाई के फॉर्म में प्लॉट करते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक है? कि आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसी है, करंट की वेव फॉर्म कैसी है, या कोई आपकी एसी है, एसी क्वांटिटी है, एसी जस्ट लाइक आपका वोल्टेज है, तो उसका वेव फॉर्म कैसा है, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म कैसी है, या किसी एसी साइनसोडियल की वेव फॉर्म को इंक्रीज करने पर, डिक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी को कैसा उसका शेप पड़ेगा, उसको हम सीआरओ की हेल्प की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सीआरओ, सॉरी, सीआरओ आपका एक एक्स वाई प्लॉटर है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे आपका करंट है, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, इन सारी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें किसके, सीआरओ के, तो सीआरओ के अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसके बेसिकली पांच पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है सीआरटी, दूसरा आपका होता है एम्पलीफायर, तीसरा होता है पावर सप्लाई, चौथा होता है आपका ट्रिगर सर्किट, और पांचवा पार्ट होता है आपका टाइम बेस्ड जनरेटर, जिसको स्वीप जनरेटर भी कहते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सीआरटी के बारे में। तो सीआरटी, जैसा कि आपका इसका नाम है फुल फॉर्म, जैसे सीआरओ का फुल फॉर्म आपका कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, और सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो सीआरटी है, इट इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, ये आपका मेन पार्ट होता है किसका, सीआरटी जो मेन पार्ट होगा किसका, सीआरओ का। सीआरटी द मेन पार्ट ऑफ सीआरओ। तो सीआरटी के जो आपके पार्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन हो गया, इलेक्ट्रॉन गन हो गया, डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गई, और चौथा पार्ट होता है आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और डी पार्ट जिसको आप कह सकते हैं ये आपका होता है ग्लास एनवेलप, ग्लास एनवेलप, मतलब जिसके अंदर सीआरटी का पूरा पोर्शन होता है वो आपका ग्लास का बना होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास एनवेलप। तो हम एक एक पार्ट को डिटेल में देखेंगे। अभी आपको इसको हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, इस चीज़ को हमने इस ब्लॉक में इसको दिखाने की कोशिश किया। जैसे जो इलेक्ट्रॉन गन होता है उसमें आपका बेस पिन होगा, हीटर होगा,
कैथोड रे ट्यूब होगी, सॉरी कैथोड होगा, जिसको गर्म करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और कंट्रोल ग्रिड जो इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, फ्री एक्सिल रोटिंग एनोड और फोक्सिंग एनोड, फिर इसके बाद आपका आता है एक्सीलरेटिंग एनोड। तो ये तो आपके हो गए किसके पार्ट, इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट हो गए। फिर इसके बाद आपकी आती है वर्टिकल प्लेट, दो प्लेटें लगी होती हैं, एक आपकी वर्टिकल प्लेट और दूसरी आपकी हॉरिजेंटल प्लेट। ये दो प्लेटें लगी होती हैं किसमें, सीआरटी के अंदर, ठीक है, सीआरटी के अंदर दो प्लेटें लगी होती हैं, एक आपकी वर्टिकल प्लेट दूसरी आपकी हॉरिजेंटल प्लेट, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं फॉस्फर मटेरियल से कोटिंग कर देते हैं। ये आपका हो गया स्क्रीन, इस पे हम फॉस्फर मटेरियल से कोटिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सीआरओ की स्क्रीन होती है उस पे किस मटेरियल की कोटिंग करते हैं, और यहाँ पर जब आपका इलेक्ट्रॉन टकराता है तो इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होता है, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं एक्वा डॉग मटेरियल का यूज करते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्रेफाइट का सोल्यूशन यूज करते हैं, जो सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ओके, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट सीआरटी हो गया, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन गन, बेस पिन, हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड और एक्सीलरेटिंग एनोड, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, फोक्सिंग एनोड, और फिर नेक्स्ट पार्ट आपका है इसका डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक आपकी वर्टिकल प्लेट, जिसको वर्टिकल प्लेट को देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेट है उसको कैसे प्लेस करते हैं, तो जो आपकी वर्टिकल प्लेस है इसको हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल प्लेट को हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, हॉरिजेंटल प्लेट को वर्टिकली प्लेस करते हैं। जो आपकी दोनों प्लेटें हैं जैसा का इनका नाम है, जैसा कि इनका नाम है उसके अपोजिट उनको प्लेस करते हैं। जैसे आपकी वर्टिकल प्लेट है, अगर आपकी वर्टिकल प्लेट है तो उसको हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, और अगर आपकी हॉरिजेंटल प्लेट है तो उसको वर्टिकली प्लेस करते हैं। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी हॉरिजेंटल प्लेट का क्या काम है और वर्टिकल प्लेट का क्या काम है। इसके बाद लास्ट इसमें है आपका तीसरा, एक दो तीन, तीसरा पार्ट है आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसपे हम फॉस्फर मटेरियल की क्या करते हैं कोटिंग करते हैं, और चौथा इसमें पार्ट है ग्लास एनवेलप, जो आपका पूरा ग्लास का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पार्ट जिसको सीआरटी कहते हैं, इट इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, और नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट है आपका एम्पलीफायर। तो इसमें हम दो एम्पलीफायर का यूज करते हैं, एक आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, दूसरा आपका हॉरिजेंटल एम्पलीफायर। ओके, एक वर्टिकल एम्पलीफायर, दूसरा हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, और इसमें तीसरा पार्ट आपका आता है पावर सप्लाई। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो इसमें दो तरीके की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, एक हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई, दूसरी लो वोल्टेज की पावर सप्लाई। तो जो हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई है इसको हम सीआरटी को देते हैं, सीआरटी को हम हाई वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, और जो जितनी भी रिमेनिंग सर्किट हैं उनको हम लो वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, रिमेनिंग सर्किट को हम लो वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रिगर सर्किट, ठीक है, ये आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से भी हम दिखाने की इसको कोशिश करेंगे, और वहाँ पर समझाएंगे भी कि जो आपका ट्रिगर सर्किट है उसका क्या काम है, और ये आपका चौथा पार्ट है, और लास्ट और पाँचवा पार्ट है टाइम बेस जनरेटर। टाइम बेस जनरेटर का क्या काम है, इन सारी चीज़ों को हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा सीआरटी है। सीआरटी क्या है आपका, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये आपका मेन पार्ट है आपका सीआरटी का। तो सीआरटी में हमने देखा था कि हमारे पास हीटर होता है, तो हीटर बेसिकली आपका यहाँ लगा होता है जो क्या करता है हीट प्रोड्यूस करने के पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी हीटर है, रूम हीटर हो गया, जनरल हीटर हो गया, उसी तरीके से इसमें हम हीटर का यूज करते हैं। उसकी सहायता से आपका यहाँ पर कैथोड होता है,
कैथोड हीटर की वजह से क्या होगा, गर्म होता है। जब कैथोड आपका हीटर की वजह से गर्म होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो सिंपली मान लीजिए कहीं भी आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो आपकी हीट चारों तरफ फैलती रहती है। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं, पर्टिकुलर एक जो है कि उसका पाथ दे देते हैं, तो उसी डायरेक्शन में वो क्या होता है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसी लिए उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं, इससे क्या निकलेंगे, हमारे कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, हीटर क्या करेगा, कैथोड को गर्म करेगा। तो देखिए हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं बेस पिन के लिए, ठीक है। तो बेस पिन हमारा जो है कि एक्सटर्नल सर्किट के लिए हम यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन को देने के लिए, इसमें एक्सटर्नल जो भी हमारे बाहरी कनेक्शन है इसमें देने के लिए हम इसका बेस पिन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर हीटर लगा है, हीटर क्या करेगा, गर्म करेगा, किसको गर्म करेगा, कैथोड को। जब कैथोड को गर्म करेगा तो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ओके। कैथोड को, कैथोड हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। जैसे कि हम ट्रायोड वाल्व पढ़ते थे तो उसमें हमारा एक एनोड हुआ करता था, एक कैथोड हुआ करता था, एक हमारा ग्रिड हुआ करती थी, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जब कैथोड को और नेगेटिव पोटेंशियल देते थे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, इमिट होते थे, और जो हमारा ग्रिड होता था वो ग्रिड इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करता था। तो यहाँ पर हीटर को गर्म होने की वजह से कैथोड गर्म होगा और इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो इसको हमने एक पर्टिकुलर पाथ दे दिया, और यहाँ पर इसके जस्ट बाद हमने एक लगा दिया है क्या, ग्रिड। ग्रिड कौन सा ग्रिड है, कंट्रोल ग्रिड है। कंट्रोल ग्रिड का क्या काम है, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, और उन इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए इसको हम क्या देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, ओके। इसको हम, जो हमारी कंट्रोल ग्रिड है इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। तो जब इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और तेज़ी से। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, ये आपका प्री एक्सीलरेटिंग एनोड का पोर्शन है, जिसको हम क्या देते हैं, हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई, ओके। ये देखिए इसको, जो आपका प्री एक्सीलरेटिंग एनोड है और एक्सीलरेटिंग एनोड है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 kV टू 10 kV तक की इसको डीसी सप्लाई देते हैं, ओके। तो जब इसको आप डीसी सप्लाई देंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, और जो आपका ये प्री एक्सीलरेटिंग एनोड है इसके सराउंडिंग आपका पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये और तेज़ी से अट्रैक्ट होगा। फिर इसके बाद आपका लगा हुआ है फोकसिंग एनोड। जो फोकसिंग एनोड है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जो फोकसिंग एनोड है इसको इसके कंपेयर में एक्सीलरेटिंग और प्री एक्सीलरेटिंग के रिस्पेक्ट में कम वोल्टेज देते हैं। मान के चलिए कई बार आपका 500 वोल्टेज भी दिया जाता है, और इसके कंपेयर में ये आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 400 वोल्ट होगा, 500 वोल्ट होगा, इतना वोल्टेज हम इसको देते हैं। मतलब जो आपका फोकसिंग एनोड है इसको प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, कम वोल्टेज देते हैं। तो और ये जो आपका फोकसिंग एनोड है ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसमें आपका अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पास होता है, ओके। इसका शेप कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। फिर आपका इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ेगा, इसकी वजह से अब और आगे हमने लगा दिया है क्या, एक्सीलरेटिंग एनोड। तो एक्सीलरेटिंग जो एनोड है इसको हम क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई देने की वजह से इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से एक्सीलरेट होगा, और यहाँ पर जो हमने इसको डीसी सप्लाई दिया है इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कौन सी फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इसी के जो हमारा फोकसिंग एनोड है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें
हमारा जो प्री एक्सीलरेटिंग एनोड है और आपका ये फोकसिंग एनोड है, तो प्री एक्सीलरेटिंग एनोड पे हम क्या करते हैं, क्वाइल भी बाउंड करके प्लेस कर देते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा निकल रहा है इसको इस जो हमारी स्क्रीन है इस पे पहुंचाने के लिए हेल्प करती हैं। ओके, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेटअप करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, ये आपका हो गया फोकसिंग एनोड और ये हो गया आपका एक्सीलरेटिंग एनोड। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। ये आपका है बेस पिन और ये आपका है हीटर, हीटर के बाद आपका लगा है कैथोड, जिसको हम गर्म करने पर, हीटर को गर्म करने से ये कैथोड गर्म होगा जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। फिर ये आपका है कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करता ही है। फिर इसके बाद आपका प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, फिर इसके बाद आपका है फोकसिंग एनोड, फिर इसके आगे आपका है एक्सीलरेटिंग एनोड। तो इस सारे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। जैसा कि हमने आपने पीछे देखा कि इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन गन का पोर्शन। फिर और आगे जब आपका ये इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो उसको पास होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है किससे, एक आपका वर्टिकल प्लेट से, दूसरी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट से। तो वर्टिकल प्लेट को देख लेते हैं और हम जो है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट को देख लेते हैं। तो जो वर्टिकल प्लेट होती है उसको हॉरिजॉन्टली प्लेट कर प्लेस करते हैं। हॉरिजॉन्टली मान लीजिए आपकी ये पूरी सीआरओ की स्क्रीन है, तो हमारी जो वर्टिकल प्लेट है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी वर्टिकल प्लेट है उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे, जिसको आप वाई और वाई डैश कह सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेस को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। ये देखिए आपका हॉरिजॉन्टली है, और अगर ऐसे कर दें तो आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होती हैं उसको वर्टिकली प्लेस करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन है, ये हमारा हाथ कैसे है, वर्टिकल है, ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल है। तो जो हमारी वर्टिकल प्लेट है उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं। ये देखिए आपका हो गया यक्स डैश और ये आपका यक्स। तो ये आपकी कौन सी प्लेट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये दोनों आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये दोनों आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है और ये दोनों आपकी वर्टिकल प्लेट है। ओके, बात को समझ पा रहे हैं। तो जो वर्टिकल प्लेट है उसको वाई वाई डैश से, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं उनको यक्स यक्स डैश से। तब देखिए जो वर्टिकल प्लेट है वो क्या करती है, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको अप और डाउन करती है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि जो आपकी टीवी है वो जस्ट लाइक, जो पुराने ज़माने वाली टीवी है वो जस्ट लाइक आपका कैसा है, सीआरओ के तरीके है। तो उसमें कभी कभी देखते हैं कि जब आपकी टीवी ख़राब हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से आप स्क्रीन पे देखते हैं कि कभी कभी लाइनें ऊपर से आती हैं नीचे ख़त्म हो जाती है, कभी कभी नीचे से आती है ऊपर ख़त्म हो जाती है, कभी कभी दाएं से आती है बाएं ख़त्म हो जाती है, कभी कभी बाएं से दाएं ख़त्म, दाएं से बाएं ख़त्म, कभी कभी ऐसा आता है। कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन पे आपका एक ब्लिंकिंग पॉइंट बन जाता है, कभी कभी ब्लिंक करता रहता है एक ही जगह। तो ये आपका होता है इन दो प्लेटों की वजह से। ओके, बात को समझ पा रहे हैं। जो आपकी ये दो प्लेटें हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट, यही दोनों क्या करती हैं, एक लेफ्ट टू राइट, दूसरा अप टू डाउन, ये इन दोनों प्लेटों का काम होता है। तो देखिए जो आपकी वर्टिकल प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन बीम को अप टू डाउन करती है, अप टू डाउन, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये क्या करती है, लेफ्ट टू राइट करती है। ठीक है, इसका काम है लेफ्ट टू राइट, और इसका काम है, वर्टिकल प्लेट का काम क्या है, डाउन अप डाउन। ठीक है, अप से डाउन। तो सॉरी,
ये इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल प्लेट हो गया, वर्टिकल प्लेट को हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, वर्टिकल प्लेट को हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल प्लेट को वर्टिकली। हॉरिजेंटल प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको अप डाउन करती है, और जो हमारी हॉरिजेंटल प्लेट है ये लेफ्ट टू राइट करती है। कभी कभी आप देखते हैं कि स्क्रीन आपकी ऐसे ऐसे चलती है, कभी कभी ऊपर नीचे चलती है, तो इन्हीं दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो मान लीजिए आपका ये सीआरओ की स्क्रीन है, ये आपकी सीआरओ की स्क्रीन है, तो मान लीजिए कोई साइनोसोडियल वेव है, तो एक तो आपका ऊपर लेके जाएगा, तो एक तो ऊपर जा रही है, ऊपर किसकी वजह से जा रही है, वर्टिकल प्लेट। वर्टिकल प्लेट का काम है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हॉरिजेंटल प्लेट, हॉरिजेंटल का काम है इसको लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब देखिए ये आगे भी बढ़ती जा रही है, ऊपर भी जा रही है, तो जब ये आपका आगे बढ़ रही थी, ऊपर जा रही है, फिर आगे भी बढ़ती जा रही है, तो ऊपर बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है, वर्टिकल प्लेट, और आगे बढ़ाने के लिए हॉरिजेंटल प्लेट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कोई वेव फॉर्म क्या होता है, ड्रा होता है। ओके, बात को समझ पा रहे हैं। फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो ये दोनों प्लेटें उसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी। फिर आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का इस पर बमबारी हो जाएगी। तो देखिए जब यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन बनी हुई है, ये फॉस्फर स्क्रीन है। कैसी स्क्रीन है, फॉस्फर स्क्रीन है। तो ये जो स्क्रीन फॉस्फर की है, इस पे हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बमबारी होती है। ओके, जब फॉस्फर की स्क्रीन पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बमबारी होती है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन कैसा सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो क्या हो जाता है, विजुअल सिग्नल में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो विजुअल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन फॉस्फर की जो स्क्रीन है, ठीक है, जो फॉस्फर की बहुत पतली कोटिंग की जाती है, इस पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बमबारी करता है या टकराता है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो विजुअल सिग्नल में चेंज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सीआरओ की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। ओके, तो फिर आपको कुछ यहाँ पर दृश्य दिखाई देगा। अब अगर किसी चीज़ का कैसा वेव फॉर्म है उसको हम इसकी सहायता से ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक ब्राइट स्पॉट होगा। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराया हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर टकराएगा, तो यहाँ से टकराने के बाद भी टकराएगा कहीं जाकर, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसको हम कहेंगे प्राइमरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से आपका कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, इसको प्राइमरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन टकरा कर यहाँ जाएगा, दूसरे पार्ट पे जाएगा, इधर कहीं जाएगा, तो इसको सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का सेकेंडरी इमिशन होगा, तो उसको कैप्चर करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोटिंग कर देते हैं किसकी, एक्वा डार्क मटेरियल की। किसकी करेंगे, एक्वा डार्क मटेरियल की। एक्वा डार्क मटेरियल क्या होता है, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट, इसी को हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। जो एक्वा डार्क मटेरियल है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं, नहीं तो क्या करेगा, अगर हम इसको नहीं यूज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद जो हमारी ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं उसको डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर जो स्पॉट बन रहा है, जो हमारा जो है कि वेव फॉर्म ड्रा हो रही है, वो एक्चुअल वेव फॉर्म ड्रा होकर मिल नहीं पाएगी, इसलिए हम यहाँ पर एक्वा डार्क मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो हमारी हॉरिजेंटल प्लेट है उसको कैसे प्लेस करते हैं। ओके, तो हॉरिजेंटल प्लेट को हम वर्टिकली प्लेस करते हैं, हॉरिजेंटल प्लेट को वर्टिकली प्लेस करते हैं, और ये भी पूछा जा सकता, अभी तक पूछा नहीं गया, जो वर्टिकल प्लेट है उनको कैसे प्लेस करते हैं। तो वर्टिकल प्लेस को हॉरिजेंटली और हॉरिजेंटल प्लेट को वर्टिकली। ओके, और ये भी पूछा गया है कि जो फोकसिंग एनोड है उसको किस किस के बीच में लगाया जाता है। तो जो फोकसिंग एनोड है इसको प्री एक्सीलरेटिंग और एक्सीलरेटिंग एनोड के बीच में लगाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सीआरटी आपका किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपने सीआरटी को समझ लिया तो सीआरओ आपको इजीली समझ में आएगा। एक बार मैं फिर आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका है बेस पिन, बेस पिन आपका एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम बेस पिन का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका हीटर लगा हुआ है, हीटर क्या करता है, गर्म होता है, उसकी वजह से आपका कैथोड गर्म होकर इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। उस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हमने ये बाहर से कंट्रोल ग्रिड का यूज किया है, जिसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। आपसे पूछ सकता है कभी कंपटीशन में कि जो हमारा कंट्रोल ग्रिड है उसको कैसा वोल्टेज दिया जाता है, तो उसको नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। और जो आपका प्री एक्सीलरेटिंग एनोड है, एक्सीलरेटिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड है, इनको तीनों को हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। और ये जो डीसी वोल्टेज होता है वो आपका कैसा होगा, हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आपका जो एक्सीलरेटिंग एनोड है और प्री एक्सीलरेटिंग एनोड है, इन दोनों को हम हाई वोल्टेज देते हैं, किससे, फोकसिंग जो एनोड है, फोकसिंग एनोड के कंपेयर में। फिर इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ता है, फिर हमारे पास दो प्लेटें लगी होती हैं। पूछ सकता है कि जो वर्टिकल प्लेट होती हैं और हॉरिजेंटल प्लेट्स होती हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कितनी होती हैं। तो दो हॉरिजेंटल प्लेट, दो हॉरिजेंटल प्लेट और दो वर्टिकल प्लेट। टोटल प्लेट पूछता है तो नंबर ऑफ फोर होगा। अगर आपसे पूछता है कि वर्टिकल प्लेट कितनी यूज करते हैं तो दो, अगर हॉरिजेंटल का पूछता है तो दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन इनसे पास होगा। फिर आपका यहाँ पर फॉस्फर स्क्रीन है जिस पे इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका विजुअल सिग्नल में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट सीआरटी काम करता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सीआरओ है, जिसके अदर पार्ट हैं, जैसे आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, टाइम डिले का यूज करते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ट्रिगर सर्किट का यूज करते हैं, टाइम बेस जनरेटर का यूज करते हैं, इनके कंप्लीट कॉम्बिनेशन की वजह से ही आपका सीआरओ काम करता है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सीआरओ को हम, जो कि हमने पहले बताया था आपके, कि जो सीआरओ होता है उसके बेसिकली हमारे पांच पार्ट होते हैं। एक तो हमारे पास एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, और दूसरा हमारे पास डिले लाइन, और तीसरा हमने बताया कि ट्रिगर सर्किट, और चौथा हमारे पास क्या है, टाइम बेस जनरेटर, टाइम बेस जनरेटर, और पांचवा हमारा क्या है, सीआरटी। सीआरटी को जैसे कि पहले नंबर पे दिखाना चाहिए, सीआरटी इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, जैसा कि आप जानते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सीआरओ है ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो सीआरओ आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डुअल बीम का सीआरओ, सिंगल बीम का सीआरओ। तो यहाँ पर जो हम सीआरओ यूज कर रहे हैं वो हमारा सिंगल बीम का सीआरओ है। ओके, तो यहाँ पर जिस भी क्वांटिटी को हमको स्क्रीन पे ड्रा करना है, ठीक है, ये हमारी सीआरओ की स्क्रीन है। जिस भी क्वांटिटी का हमको वेव फॉर्म ड्रा करना है उसको हम कहाँ जोड़ते हैं, उसको हम इनपुट सिग्नल मतलब वर्टिकल एम्पलीफायर से जोड़ते हैं। तो जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल आपका जितनी रिक्वायरमेंट है उसको स्क्रीन पे ड्रा कराने के लिए उस लेवल का नहीं है, उतना वोल्टेज नहीं है। मान लीजिए आप अगर वोल्टेज का ड्रा कर रहे हैं तो जितना इसको कंप्लीट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए, तो वो उतना नहीं दे पाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो हमारे
एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं जो हमारे सिग्नल को क्या करता, हाई कर देता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एम्पलीफायर होता है उसका काम होता है किसी भी वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज करना या किसी भी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज करना। और एक आपका होता है एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर का काम होता है किसी भी हाई सिग्नल को, किसी भी हाई सिग्नल को लो सिग्नल में चेंज करना। और एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज करना। जैसा कि आप देखते हैं कि जो आपका डीजे होता है, जो आपके स्पीकर होते हैं, उससे आपके लो सिग्नल हाई सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम और आप ये कहते हैं कि जो एम्पलीफायर होता है उसका दूसरा नाम भी कहते हैं आप एम्पलीफायर, वो सिग्नल को क्या करता है, हाई सिग्नल में चेंज कर देता है। तो इसलिए हमारा जो वोल्टेज है या करंट है या कोई भी सिग्नल है, अगर वो लो है तो उसको हम वर्टिकल एम्पलीफायर की सहायता से और उसको एम्पलीफाई करते हैं। और इसी में आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, एटेन्यूएटर भी लगा होता है, जो अगर बहुत हाई सिग्नल है तो उसको लो सिग्नल में चेंज कर देता है, जितना कि हमारे सीआरओ के जो कंपोनेंट है उनको रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद यहाँ से जो सिग्नल आता है उसको हम डिले लाइन पर भेजते हैं। डिले लाइन पे इसलिए भेजते हैं कि इसके बाद डिले लाइन, अगर हम इसी सिग्नल को सीधे वर्टिकल एम्पलीफायर पे दे देंगे तो ये क्या करेगा, बहुत ही पहले सिग्नल पहुंच जाएगा, ओके। और इस वजह से आपका ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिले लाइन का यूज करते हैं। तो डिले लाइन का यूज करने पर बेसिकली ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन इसकी कंप्लीट सर्किट होती है जिसमें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो डिले लाइन का ब्लॉक है वो वर्क करता है और किस तरीके से ये जो हमारे सिग्नल है उसको डिले करके भेजता है। इसका मेन काम होता है कि जो हमारा सिग्नल है वर्टिकल एम्पलीफायर पर दिया जा रहा है उसको डिले करके भेजना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इधर से जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर सिग्नल मिल रहा है वो डिफरेंट वे से आ रहा है। जैसे आपका इधर से सिग्नल आएगा ट्रिगर सर्किट पर टाइम बेस्ड जनरेटर पर, फिर आपका आएगा किस पर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पर, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिले लाइन का यूज करते हैं कि सिग्नल को हमारा थोड़ा डिले करके भेजे, किस पे, वर्टिकल एम्पलीफायर पर, ओके। तो इधर से आपका जो सिग्नल है वो किस पे आएगा, ट्रिगर सर्किट पे आएगा। तो ट्रिगर सर्किट का हम यूज क्यों करते हैं, ट्रिगर सर्किट का काम है कि जो हमारा सिग्नल है उसको जो है कि एक तरीके से ट्रायंगुलर वेव फार्म में ड्रा करना, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव फार्म में दिखाना कुछ इस तरीके से। और इसका काम ये भी होता है कि जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर है और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है इनके बीच सिंक्रोनाइजेशन के लिए, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक दूसरे को मैच कराने के लिए, ठीक है। तो इसका तो एक काम है कि आपका जो ट्रायंगुलर वेव है उस तरीके की वेव को ड्रा करने के लिए, और दूसरा काम है आपका सिंक्रोनाइजिंग के लिए, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग के लिए हम दो पर्पज के लिए यूज करते हैं ट्रिगर सर्किट का। फिर जब आपको ये ट्रिगर सर्किट, जो आपका ट्रिगर वोल्टेज है, ये किसको देते हैं, टाइम बेस जनरेटर को। तो टाइम बेस जनरेटर क्या करता है, जो हमारा वोल्टेज है वो उसको कुछ सातूथ जनरेटर भी इसी को कहते हैं, सातूथ जनरेटर भी इसको कहते हैं। तो ये आपका जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके का देता है, ठीक है, इस तरीके का वोल्टेज, इस तरीके का मतलब आपका ये वोल्टेज सातूथ वोल्टेज जनरेट करने के लिए ये यूज किया जाता है टाइम बेस जनरेटर, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है इसको कुछ इसी तरीके के सिग्नल की ज़रूरत होती है, इसलिए हम जो है कि यहाँ पर टाइम बेस जनरेटर का यूज करते हैं। फिर आपको ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को ये सिग्नल मिल जाता है, फिर ये सिग्नल आपका वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट से आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर कनेक्ट है, और यहाँ पर जो आपको सिग्नल मिल रहा है वर्टिकल प्लेट को, ये वर्टिकल प्लेट से आ रहा है, ओके। तो हम डिले लाइन का यूज क्यों किए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ये आपकी
हॉरिजेंटल प्लेट है, यहाँ पर जो सिग्नल पहुँच रहा है वो बहुत देर में पहुँच रहा है, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये भी सिग्नल देर में आए वर्टिकल एम्पलीफायर पर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, डिले लाइन का यूज किया है। ट्रिगर सर्किट का यूज किस लिए, सिंक्रोनाइजिंग पर्पज के लिए। टाइम बेस जनरेटर का यूज किस लिए, सातूथ जनरेट के लिए, मतलब जो वेव है, जो वोल्टेज है वो सातूथ वोल्टेज बनाने के लिए। जैसा कि आपको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को कुछ इसी तरीके के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इसका यूज किए हैं। तो ये दोनों जब सिंक्रोनाइज होते हैं तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है, अब आप इसको एडजस्ट करते हैं। जैसा कि आप सीआरओ पे देखेंगे, उस पे आपके फ्रंट पैनल पे कंट्रोल करने के लिए रहता है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर। आप उसको कंट्रोल करेंगे तब आपकी वेव जैसी आप जो है कि उसको जिस पे को आप ड्रा करना चाहते हैं, जैसा आपका सिग्नल है वैसा ही आपको इस स्क्रीन पर वेव मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास साइनोसॉइडियल है तो आपको कुछ वेव फॉर्म इस तरीके से मिलेगी। अगर आपका कोई डीसी सिग्नल है तो अब उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ वो सिग्नल कैसा है, निगेटिव है पॉजिटिव है, कैसी साइकिल का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव है तो ये आपका इसके पॉजिटिव में दिखाएगा, अगर नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव में दिखाएगा। ओके, तो ये है आपका सीआरओ का कंप्लीट जो है कि डिटेल एनालिसिस है, जिसमें हमने देखा कि सीआरओ को किस तरीके से हम जो उसके पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले हमने बताया कि सीआरटी, सीआरटी जो है इसका हार्ट होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमारा जो है कि हीटर हो गया, और कंट्रोल ग्रिड हो गई, कैथोड हो गया, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड हो गया, फोक्सिंग एनोड हो गया, और इसके बाद आपका एक्सीलरेटिंग एनोड हो गया। आपकी दो प्लेटें इसमें लगी होती हैं, एक आपकी वर्टिकल प्लेट, दूसरी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट, और इसके बाद आपका एक स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन के अंदर हम क्या करते हैं, फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग करते हैं। फॉस्फर मटेरियल की कोटिंग करने से क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फास्फर की जो कोटिंग है उससे टकराता है तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो विजुअल सिग्नल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे हमारा कोई भी स्पॉट हमको देखने को मिलता है, कोई भी हमको वेव फॉर्म देखने को मिलती है। फिर हमने सीआरओ में बात किया था कि हमारे ये जो है कि सीआरओ के बेसिकली पांच ही पार्ट होते हैं। पहला हमारा हो गया सीआरटी, दूसरा हमारा हो गया एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में दो एम्पलीफायर, एक आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ये दोनों एम्पलीफायर दोनों प्लेटों से जुड़े होते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर वर्टिकल प्लेट से, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल प्लेट से जुड़े होते हैं, और यहाँ पर आपकी डिले लाइन का यूज करते हैं सिग्नल को डिले से भेजने के लिए। ट्रिगर सर्किट का यूज करते हैं सिग्नल को एम्पलीफायर, जो हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर है और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, इनके द्वारा जो सिग्नल भेजा जा रहा है वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट पर, इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम ट्रिगर सर्किट का यूज करते हैं। टाइम बेस जनरेटर का यूज करते हैं सातूथ वोल्टेज बनाने के लिए, सातूथ जनरेटर भी इसको इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट डिटेल एनालिसिस सीआरओ के बारे में। तो हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी कराएंगे जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम जो है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हमारे SSC JEE में, UPSC JEE में, और JEE के अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, और AE में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थेरिटिकल क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं उनके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें से विच टाइप डज एन एक्स वाई रिकॉर्डर, तो इसमें जो आपका एक्स वाई रिकॉर्डर है उसको हम ग्राफिक रिकॉर्डर कहते हैं। जैसे हमारा जो सीआरओ है ये भी हमारा ग्राफिक रिकॉर्डर होता है, किसी भी चीज़ को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिले लाइन इन सीआरओ इज प्लेस्ड, तो जो डिले लाइन होती है इस उसको हम वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद यूज करते हैं, और जो हमारी ट्रिगर सर्किट है उसमें हमको जो सप्लाई मिलती है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से आती है। ओके, और जो आपका टाइम बेस जनरेटर है वो क्या करता है, सातूथ जनरेटर होता है, जो वोल्टेज को सातूथ, मतलब आपका एक तरीके से ये कुछ इस तरीके से वोल्टेज
जनरेट करता है जो एक तरीके से ट्रेंगुलर वेव के तरीके ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट एम्पिडेंस ऑफ सीआरओ, जो सीआरओ है उसका इनपुट एम्पिडेंस 1 मेगा ओम के अप्रॉक्स होता है, इससे ज़्यादा ही होता है। तो किसी भी चीज़ का, जैसे हमारे पास से कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपके पास अमीटर है, वोल्ट मीटर है और भी आपके अदर इंस्ट्रूमेंट है, अगर उनका इनपुट एम्पिडेंस हाई है तो जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो आपका कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ सीआरओ इज प्लेस्ड, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है उसको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं और जो आपकी वर्टिकल प्लेट होती हैं उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को, डिफ्लेक्शन प्लेट को हम क्या करते हैं, वर्टिकली प्लेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल व्हेन यूज्ड एज द व्यू द सरफेस ऑफ सीआरओ गिव द ब्लूस ग्लो, ब्लू ब्लू टाइप का आपका ग्लो दिखेगा कब, आपका सीआरओ पे जो भी चीज़ है वो ब्लू टाइप का दिखेगा कब, जब आप किसका यूज करेंगे, जिंक सल्फाइड विथ सिल्वर एम्प्योरिटी। अगर आपको ग्लू सॉरी ब्लू टाइप का ग्लो चाहिए तो उसके लिए जिंक सल्फाइड विथ सल्फर एज ए इम्प्योरिटी, जो आपकी जो स्क्रीन है जहाँ पर आप फॉस्फर की कोटिंग करते हैं उसी पर ही हमको क्या करना पड़ेगा, जिंक सल्फाइड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका ऑक्सीलोस्कोप है उसकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले है उसमें किस पदार्थ से बनी होती है, तो हमने कहा कि जो आपकी सीआरओ की स्क्रीन है वो फास्फर मटेरियल से बनी होती है, फास्फर से उसकी हम कोटिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द सीआरओ, इसमें से कौन सा सीआरओ का कंपोनेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन गन भी आपका सीआरओ का कंपोनेंट है, डिफ्लेक्शन प्लेट भी आपका सीआरओ का पार्ट है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ये भी आपका जो है कि सीआरओ का पार्ट है, इसमें आपका मोटर ये आपका सीआरओ का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तो जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा एक्स वाई प्लॉटर। तो जो हमारा सीआरओ होता है वो भी हमारा एक तरीके से एक्स वाई प्लॉटर होता है, जो हमारा और भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ए आपका अमीटर, बी आपका मेगर और सी आपका जो है कि वोल्ट मीटर। तो ये आपके अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये आपके कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आपके इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीआरओ आपका रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एनर्जी मीटर आपका जो एनर्जी मीटर होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट, सीआरओ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ, तो सीआरओ का आप पावर मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, सीआरओ की सहायता से आप वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीप जनरेटर ऑफ सीआरओ इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, जो स्वीप जनरेटर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो आपका सॉटूथ वोल्टेज फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है उसको सॉटूथ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर का यूज करते हैं, जिसको स्वीप जनरेटर भी कहते हैं। स्वीप जनरेटर का क्या काम होता है, जो हमारा वोल्टेज है, जो हमारी वेव फॉर्म है, उसको सॉटूथ के फॉर्म में चेंज करना। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द डिले लाइन ऑफ सीआरओ इज प्लेस्ड, तो डिले लाइन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, डिले लाइन का हम यूज वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद करते हैं, इन सीआरटी द फोक्सिंग एनोड इज लोकेटेड, तो जो आपका फोक्सिंग एनोड है उसको प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड के बीच में यूज करते हैं, तो किस कहाँ पर यूज करेंगे, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड और एक्सीलरेटिंग एनोड के बीच में यूज करते हैं, किसका, फोक्सिंग एनोड का। लिसाइसिस पैटर्न कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइन, तो जो हमारा लिसाइसिस पैटर्न है उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के डिटरमिनेशन के लिए हम उसका यूज करते हैं। ओके,
और जो आपका सीआरओ होता है, सीआरओ से जो हम वोल्टेज मेजर करते हैं, ये वोल्टेज हमारा पीक टू पीक वोल्टेज होता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इन सीआरओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट होता है वो कैथोड होता है, और आपका कंट्रोल ग्रिड होता है, प्री एक्सीलरेटिंग एनोड होता है, फोकसिंग एनोड होता है, और एक्सीलरेटिंग एनोड होता है। तो इसमें आपका कैथोड भी आएगा, कंट्रोल ग्रिड भी आएगा, एक्सीलरेटिंग एनोड भी आएगा, और जो एक्स वाई प्लाटर है ये आपका सीआरटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, सॉरी, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है, ये आपका स्क्रीन जो होती है वो आपका ये एक्स वाई प्लाटर होता है, क्योंकि एक्स वाई जो प्लॉट करते हैं वो हम स्क्रीन पे ही करते हैं, ओके। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनर्जी मीटर का है। द प्रेशर कॉयल ऑफ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, जो आपकी प्रेशर कॉयल होती है उसकी, एनर्जी मीटर की जो प्रेशर कॉयल होती है वो आपकी क्या होती है, हाईली इंडक्टिव होती है, और जो आपका वाट मीटर होता है उसकी जो प्रेशर कॉयल होती है वो हाईली रेजिस्टिव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो एनर्जी मीटर है उसकी प्रेशर कॉयल हाईली इंडक्टिव होती है, ओके। फिच एलिमेंट इन सीआरओ इज यूज टू कलेक्ट द सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन, तो जो सेकेंडरी इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्वा डॉग मटेरियल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, एक्वा डॉग मटेरियल का यूज करेंगे। एक्वा डॉग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट सोल्यूशन कहते हैं, ग्रेफाइट सोल्यूशन का यूज कह लीजिए, या ग्रेफाइट एक्वा डॉग मटेरियल का यूज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सीआरओ, जो हमारा सीआरओ है उसका इनपुट एम्पिडेंस कितना होता है, तो उसका इनपुट एम्पिडेंस मेगा ओम में होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिजाइसस पैटर्न आर यूज टू मेजर, जो लिजाइसस पैटर्न है उसका यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड ऑफ सीआरओ इज कोटेड, तो जो आपका कैथोड होता है उसको हम बैरियम ऑक्साइड से कोटेड करते हैं, बैरियम ऑक्साइड की उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें हमने इतने ही क्वेश्चन को कवर किया, और भी आपके सीआरओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपका जो सीआरओ है ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कई चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, और कई जो हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं उनका हम ग्राफ इनके जो एक्स वाई प्लॉटर है उस पे हम, और हम सीआरओ की डिस्प्ले पर क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, ओके। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, सो थैंक यू।